हमारे साथ संजय के परिवार के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सविता, आप उनकी बहन हैं, एक बात बताएं कि कैसा था आपका भाई वैसे? देखिए, मेरे 2007 में मेरे शादी होते हैं, तो शादी में मम्मी पापा राजी नहीं थे, तो इसलिए वो शादी के पहले ही बोल दिए थे कि अगर शादी तुम करती हो यहाँ पे तो मैं तुमसे किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो हुआ, नियम से ही शादी हुआ, मगर शादी के बाद पापा लोग कभी आए भी नहीं। मेरे मामी जी ने मेरे कन्यादान किया, मैंने शादी में भी इन्वॉल्व नहीं रहे, सब इन ससुराल से ही मेरे सब कुछ हुआ अरेंजमेंट, और शादी पे उन लोग थे भी नहीं। और शादी के बाद से मेरे फैमिली का कोई भी मुझसे कभी मिलने नहीं आया, मेरे साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखा। अब उन लोग कोई भी रिलेशन नहीं रखा बोल के मैं भी कभी नहीं जा पाई, बस यही है। 17 साल आज हो गया है, 17 साल से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं। चार बहनों में अकेला आपका भाई था, मिस करते हैं कभी कभी उसको? हाँ, कौन भाई नहीं, बहन नहीं मिस करेंगे बोलिए, मगर नसीब बोलिए, परिस्थिति बोलिए, हम तो सोचे नहीं थे कि शादी के बाद कभी उन लोग हम नहीं मिल पाएंगे। होता है, सब कोई का बहुत का होता है, ठीक हो जाता है। मेरे पीरियड में कुछ नहीं हुआ, उन लोग भी कोई नहीं आया। अब उन लोग कभी नहीं आए तो मैं भी नहीं जा पाई, सामने घर है मगर वो नहीं जा पाई। मेरे पापा का देहांत हुआ, उस टाइम भी कोई मेरे पास नहीं आया, कोई नहीं बोला, मैं नहीं जी पाई। अभी कैसे पता चला आपको भाई के बारे में? मुझे तो शनिवार मैं व्रत की हुई थी, व्रत करने मंदिर गई थी, मंदिर से आए तब एक यहीं के एक जन हमको बोली, तुम सुबह का न्यूज़ सुनी हो? ये सुबह में इतने काम रहता है, टीवी चलाना होता नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ, हम सोचे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इस बोले तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा काम किया है, देखो टीवी पे दिखा रहा, तुम्हारा भाई को हम देखे हैं, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस। तो जल्दी जल्दी आए नहा भागा के, आके टीवी चला के देख रहे, वही भाई को तो बहुत दिन देखे नहीं थे, बहुत साल हो गया नहीं देखे हैं, क्योंकि पहले छोटा थे तो कभी कभी रास्ता में देखा हो जा रहा था, बहुत साल से वो रहता भी सुने है नहीं यहाँ पे उतना, तो देखा मैं, ड्यूटी भी पुलिस का है, तो वो हम नहीं सोचे कि पुलिस का ड्यूटी तो कोई ठीक नहीं रहता है, कभी राइट में रहते कभी सुबह में रहते, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं लिखी क्यों नहीं रहता है, और देखे भी नहीं तो चिन्ह भी नहीं पा रहे थे। जो बहुत बार देखे हैं तब लगा कि नहीं तो मेरे भाई है। आपको लगता है कि वो ऐसा काम कर सकता है? देखिए, एक बहन के हिसाब से कभी कोई मान पाता है कि उसके भाई ऐसा करे, मगर जो टीवी में देख रहे, जो सुन रहे, उसको जहाँ से पकड़ा गया है करा है, क्यों किया है, ये मेरे भी मन में 1000 सवाल है, क्यों किया ऐसा, क्या दरकार था? एक तो पढ़ा लिखा सीखा लड़का, एक जॉब कर रहा है, क्या दरकार था ये सब करना? कितना तक का पढ़ाई किया था उसने? मैं देखिए, ये भी मुझे ठीक से नहीं पता, मैं जब आई घर छोड़ी तब वो 10 या 11 में पढ़ रहा था। अब 17 साल से समझ रहे हैं, तो कोई बातचीत नहीं, कोई बोलता लोग जॉब कहाँ मिला मुझे नहीं पता था, तो बाद में पता चला पड़ोसी पुलिस में जॉब करता है, कहाँ करता है नहीं करता है। शादी को लेके वो लोग बोलते हैं कि 4-4 शादी की, ऐसा कुछ बात है? ये भी तो मुझे टीवी में उस दिन पता चला कि उसके 4 शादी हुआ था, हम तो इतने दिन से जान रहे थे कि उसके 2 ही शादी हुआ है, क्योंकि 2 वाइफ हम देखे हैं। पहला वाइफ जो था, एक पहले जो प्रेस आए थे उनको भी बोले कि हम ऐसे जा रहे थे, एक लड़की को देखे, अननोन लड़की देखे, तो पास में पूछे तो उन लोग बोले कि तुम्हारे भाई का बहू है, तो मैं भी खुश थी, चलो भाई का संसार बस गया है, बातचीत तो कुछ था नहीं करने का, देख के बहुत खुश थी। बहुत दिन से फिर देखे नहीं, आज जाना हाउस वाइफ तो बाहर जाना होता भी नहीं है, एक कभी बाजार चले गए कुछ लेने के लिए, कभी महीना में 2 बार 3 बार या मंदिर वगैरह गया, तब बाहर निकलना होता नहीं, टोटली हाउस वाइफ। और एक दिन, और बहुत साल, 1.5-2 साल पहले एक और लड़की को देखे, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि हम तो पहले किसी और को देखे थे, ये कोई और है। फिर पास में ऐसे ही पता लगाए तो एक दो जन बोले तुम्हारे बहू है, तुम्हारे भाई के वाइफ है क्या? तो हम बोले क्यों, पहला वाला बोले वो तो कब का छोड़ा छोड़ी हो गया है। और कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल हुआ नहीं होगा शायद, फिर पता चला कि उनके ब्लड कैंसर था, वो डेट कर गई है। बस हमको 2 पता था उस दिन, टीवी पे देख रहे कि 4 सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है 5, सियोर मुझे भी नहीं पता ठीक कितना हुआ। जिस तरह की मांग उठ रही है, कोई कहता है फांसी दे दो, कोई कहता है कुछ दे दो, आपको क्या लगता है किस तरह से क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए, अगर ये काम किया है तो बहुत गलत किया है, कोई भी इंसान, हमको नहीं लगता है कोई भी ऐसा कर सकता है, इस तरह से एक औरत को इस तरह से देखें, तो टीवी पे हम जो देखें, हम एक लड़की है हम समझ सकते, इस तरह से करना करना ही नहीं चाहिए, क्यों करेगा ऐसे किसी को?
मगर अगर मेरे भाई किया है तो सरकार आइन जो सजा उसे दे मंजूर है, गलत के अंजाम तो गलत ही होता है हमेशा। आपका तो खैर पहले से ही संबंध नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए आपका भाई मिलना चाहे, मिलना चाहेंगे आप उससे? वो मिलना नहीं चाहेगा, इतना साल 17 साल हो गया, मेरे पापा का देहांत हुआ तो अभी नहीं आया हमको यहाँ, तो मैं 2 शादी किया एक बार भी नहीं, 17 साल में कभी भी एक बार भी तो नहीं आया, कभी भी खोज नहीं लिया, वो नहीं मिलना चाहेगा। ठीक है, कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।